तिलसामित सिंधु के इस कक्षा में अध्ययन करने के लिए इतने उत्सुकता से सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि मेरे विचार से वहाँ पे 4:30 बजे, मतलब यहाँ पे 6 यानी वहाँ पे 4:30 बजे है सुबह के। तो जैसे वैदिक काल में होता था, प्रातः काल में उठते ही सब लोग जो है वे गुरुकुल में पहले जो कृष्ण भावनामृत है उसके ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उसका पाठ करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से एकदम वैदिक काल के अनुसार ये कुछ दिन जब हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करेंगे, आप जो है सुबह उठते ही तुरंत जो है उसका अध्ययन जो है करने में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कुछ भक्तों के लिए तपस्या भी होगी थोड़ी, इतने जल्दी उठ के अध्ययन करना। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है ग्रंथ, ये भक्ति शास्त्र के 4 ग्रंथों में से एक है। जैसे आपने भगवद गीता का अध्ययन पूर्ण किया है, इसके पश्चात भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत एवं विश्वोपनिषद, ये 3 ग्रंथ भी भक्ति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आज के सत्र में मैं खास करके प्रभुपाद जी की प्रस्तावना जो है इस ग्रंथ की, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। साथ ही मैं क्या महत्व है इस ग्रंथ के अध्ययन का, इसके ऊपर भी कुछ एक सारांश रूप से चर्चा करेंगे। और फिर उसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर है तो उस प्रश्नोत्तर को भी लेंगे। तो खास करके भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ है जो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन ऐसे करके अनुवादित किया है, तो ये संक्षिप्त या सारांश अध्ययन है। मूल ग्रंथ जो है वो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु है, जिसको प्रभुपाद जी ने हमें सारांश रूप में नेक्टर ऑफ डिवोशन करके दिया है, जो हिंदी में उसको भक्ति रसामृत सिंधु ही कहते हैं। तो खास करके क्या महत्व है इस ग्रंथ के अध्ययन का, तो इस ग्रंथ के अध्ययन को समझने के लिए और इसके महत्व को समझने के लिए कुछ चर्चा करते हैं। जैसे भक्ति की बात करते हैं हम, है कि नहीं, आपने भगवद गीता का अध्ययन किया, तो इस भगवद गीता के अध्ययन में आपने पढ़ा ही है कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ योग है। सारे अलग अलग प्रकार की जो योग पद्धतियां हैं, योग प्रणालियां हैं, जैसे निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है कि नहीं, तो इन सब में भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसको आपने भगवद गीता में पढ़ा है। भगवद गीता में ये चीज भगवान ने समझाई है, खास करके भगवद गीता के जो बीच के 6 अध्याय है उसमें भक्ति योग की ही पूरी महिमा का वर्णन किया है भगवान ने, 7 से 12 के बीच में। और जैसे कोई एक सुंदर मणि होता है, वो मणि हम लोग देखते हैं कोई केसिंग में रख देते हैं, हम केसिंग या मानिए संदूक में रख देते हैं कोई, तो मणि जो है वो बहुत बहुमूल्य है। कभी हो सकता है संदूक भी बहुमूल्य हो, लेकिन मणि उससे भी ज्यादा बहुमूल्य होता है, इसलिए उसको संदूक में रखा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवद गीता में जो बीच के 6 अध्याय है वो भक्ति योग के उस मणि की तरह है, और जो पहले 6 अध्याय और बाद में के 6 अध्याय वे संदूक के 2 बाजुओं के जैसा है। संदूक आप समझते हो केसिंग। तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण बीच में 6 अध्याय है वो भक्ति योग की बात करते हैं, इसलिए भक्ति योग ही भगवद गीता का सार है, वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है भगवद गीता का। तो इस भक्ति योग को जीवन में कैसे उतारना चाहिए, भक्ति योग यानी क्या, भक्ति की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है जो वास्तविक भक्ति है, क्या है वो मिथ्या भक्ति है, या मानिए मिश्र भक्ति है, भक्ति में मिश्रण होता है कुछ, तो उसे कैसे समझे, ये सारे प्रश्न भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तरित होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु से हमें भक्ति के बारे में ज्ञान मिलेगा, भक्ति के बारे में समग्र ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये भक्ति का समग्र विज्ञान है, भक्ति का समूचा विज्ञान है, द कंप्लीट साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस।
तो जिसको भी भक्ति के बारे में पूरा पूरा ज्ञान चाहिए, उसने भक्तिरसामृत सिंधु को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं भक्ति, और भक्ति के नाम पे कई सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन वास्तविक क्या भक्ति है क्या नहीं है, इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे खास करके आपने देखा होगा, कोई भारत से आता है, हम में से कई लोग भारत से आते हैं, तो भारत में भक्ति की बात करते हैं तो लोगों को बहुत बार लगता है कि हाँ हम तो भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। कभी भारत में प्रचार करते हो तो आपने लोगों से सुना होगा, हाँ प्रभु जी हम तो सब जानते हैं, बचपन से भक्त हैं हम लोग, हम लोगों को सब कुछ पता है भक्ति के बारे में। तो हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो क्योंकि हम भारत भूमि में जन्म लिए है, लेकिन जो विज्ञान है भक्ति का, क्या उसके बारे में जानते हैं? कितनी तो भी बार लोगों को लगता है भक्ति यानी केवल हृदय में होती है कि नहीं, बस हृदय में भाव है तो बस हो गई भक्ति, लोगों को लगता है। जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो लोग कभी कभी कहते हैं कि इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं प्रभु जी, दिखावे की क्या जरूरत है, इतनी भक्ति को तो हृदय में धारण करना चाहिए। तो क्या भक्ति केवल हृदय में धारण करने की बात है कि उसको व्यक्त भी करना चाहिए? अगर उसको व्यक्त कैसे व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करना है, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है? तो ये चीजें समझने के लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु जो है समझना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो फिर हम हमारी जो पूर्व धारणा है उनके अनुसार ही भक्ति करते रहेंगे, तो हो सकता है वो शुद्ध भक्ति ना हो, कुछ मिश्रित भक्ति हो, और मिश्रण जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे मानिए बड़ी सुंदर खीर बनाई है, हाँ दूध है और दूध में चावल मिला के एकदम फर्स्ट क्लास बासमती चावल मिला के, उसमें अन्य अन्य भी व्यंजन डाल के, इलायची आदि, आपने बढ़िया से खीर बना दी, और किसी ने आके उस खीर में रेती मिला दी, हाँ रेत होती है ना, रेत सैंड, तो रेत मिला दी और बोला आपको कि अभी लीजिए खाइए इस खीर को, तो आपको कैसे लगेगी खीर, अच्छी लगेगी? वो रेती है उसके अंदर जब आप खाओगे तो एकदम लगेगा थूक दे दो इसको, खीर कैसे बनाई है, एकदम पूरी रेती डाल दिया। तो उसी प्रकार से जब भक्ति में मिश्रण होता है, मतलब भक्ति जब शुद्ध भक्ति नहीं होती है, उसमें अन्य अन्य प्रकार की इच्छाएं भी होती है भक्ति के साथ, तो ये भगवान को बड़ा रोचक नहीं लगता है, ऐसे ऐसे भक्ति जो है बहुत रुचिदायक नहीं होती है। तो इसलिए हमें भक्ति में शुद्ध भक्ति जो है उसका अनुसरण करने के लिए प्रयास करना है, तो उसके लिए पहले तो जानना पड़ेगा ना शुद्ध भक्ति क्या है। जानेंगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे कि क्या भगवान को कौन सी कैसी किस प्रकार की भक्ति अच्छी लगती है, किस प्रकार की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, इस प्रकार से। तो ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साधक भक्ति यानी हम सब जो कि भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। अभी हम लोग भक्ति में परिपक्व नहीं है, हम लोग कच्चे लोग हैं, तो कच्चे यानी साधक होता है। तो जैसे कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम इतना मधुर नहीं होता, लेकिन परिपक्व हो गया वही आम तो बड़ा सुंदर मधुर लगता है, हर कोई खाना चाहता है। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति अभी जो है साधक स्तर पे है, हम लोग साधन भक्ति है हमारी जो, लेकिन इसको आगे आगे लेके परिपक्व बनाना है, तो इसे जानने के लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो खास करके भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में किस किस विषयों की चर्चा होगी वो मैं अगले सत्र में बताऊंगा, उसके बारे में तो प्रभुपाद जी के परिचय में विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन खास करके इस सत्र में चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के प्रस्तावना के बारे में, जो प्रीफेस, नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रीफेस है, तो उसके अंतर्गत, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, और ये मैं हर एक सत्र में यही शैली को अपनाऊंगा कि हम लोग प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उससे चर्चा करेंगे क्या क्या उसके अंतर्गत घटक है, क्या क्या उसके अंतर्गत विषय है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजी है, जो आनंद शेष प्रो ने आपको भेजी कल, उसमें पूरे इस प्रीफेस का, या कल परिचय लेंगे तो उस परिचय का एक स्केलेटन यानी
इसकी एक रूपरेखा होगी, इसकी किस प्रकार से क्या क्या विषय जो है इस प्रस्तावना में दिए गए हैं, इसका एक वहां पे आप कह सकते हो रूपरेखा जो है, रूपरेखा ये जो है वहां पे दी गई है, तो उसको आप देख के आइए। साथ ही साथ हर एक सत्र में आने के पहले अगर आप उस पर्टिकुलर लेसन को जिसको हम ले रहे हैं, जैसे प्रस्तावना या परिचय या आगे के अलग अलग जो अध्याय है, इसको एक बार पहले से पढ़ के आइए, ताकि क्या होगा जब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, पहले से देख के नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे विषय थोड़ा जटिल लगे आपको, समझने के लिए थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर कोई पढ़ के आएगा पहले से तो कुछ हद तक पहले से समझ लेगा कि क्या क्या इसमें है, और फिर जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो फिर बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिए हर बार क्लास में आने के पहले एक बार सारे उस पाठ को पढ़ के आ सके तो वो बहुत अच्छा होगा। तो अभी प्रीफेस के अंतर्गत आज के सत्र में चर्चा करते हैं। तो प्रीफेस में अगर आप देखोगे तो दो विषय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने इसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। तो एक तो है कि इसके अंतर्गत भक्तिरसामृत सिंधु का परिचय दिया है प्रभुपाद जी ने। भक्तिरसामृत सिंधु का परिचय देते हुए श्रील रूप गोस्वामी का परिचय दिया है। रूप गोस्वामी जो इस ग्रंथ के मूल लेखक है, उनका परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में एक प्रमुख चर्चा होती है वो हो इस प्रस्तावना में, वो है भक्ति रस की। भक्ति रस क्या है और भक्ति रस को भौतिक रस के साथ तुलना हुई है, जिसको प्राकृत रस या भौतिक रस भी कहते हैं। तो भक्ति रस और प्राकृत रस, इन दोनों में अंतर बताया गया है। और फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने के लाभ क्या है, इसके बारे में भी प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। तो ये प्रमुखता से ये विषय है इस प्रस्तावना के। क्या विषय है? श्रील रूप गोस्वामी का और भक्ति रसामृत सिंधु का परिचय, दूसरा भक्ति रस एवं भौतिक रस, इन दोनों में अंतर, और तीसरा भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने के लाभ। ये तीन विषय ही प्रमुखता से प्रस्तावना में बोले गए हैं। तो अभी हम इस प्रस्तावना के हर एक पैराग्राफ के अनुसार इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर आप प्रीफेस में देखोगे तो जो पैराग्राफ्स है, अलग अलग पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने लिखे है, परिच्छेद कह सकते हैं हम उसको, तो इस परिच्छेद में जो पहले पांच परिच्छेद है वे भक्ति रसामृत सिंधु और श्रील रूप गोस्वामी के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। पहले पांच परिच्छेद जो है तो इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं थोड़ी सी, श्रील रूप गोस्वामी और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, ये मूल ग्रंथ जो है लिखा गया श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, मूल संस्कृत में लिखा गया है ये ग्रंथ, और इसी को प्रभुपाद जी ने, जैसे मैं बता रहा था, नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से अंग्रेजी में इसको सारांश रूप से प्रस्तुत किया है। तो ये जो ग्रंथ है, सारांश रूप से प्रस्तुत करने का प्रभुपाद जी का कुछ प्रयोजन है। क्यों सारांश रूप से प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, कोई भी ग्रंथ सारांश रूप से प्रस्तुत करने का प्रयोजन ये होता है ताकि उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो कैसे आसानी से समझ पाए? जैसे प्रभुपाद जी के आप ग्रंथ को देखोगे तो उसमें मूल श्लोक होता है, मूल श्लोक का अनुवाद होता है, शब्दार्थ होता है, फिर अनुवाद होता है, फिर तात्पर्य होता है। तो इस शैली से प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी है, भागवतम लिखा है, चैतन्य चरितामृत लिखा है, ईशोपनिषद आदि ग्रंथ लिखे। लेकिन आप देखोगे भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे नहीं लिखा है, उसको एक सारांश रूप से लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत बार जो मूल शैली, हर एक श्लोक, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य, ऐसे पढ़ते हुए कभी कभी एक थकान लग सकती है, लग सकता है कि ये बहुत क्लिष्ट विषय है, बहुत जटिल है, बहुत विशाल है करके ऐसे। तो खास करके भक्ति रसामृत सिंधु
जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ मूल ग्रंथ है वो बहुत उसमें जटिल चर्चा है, भक्ति के तत्वों का बहुत गहराई से बारीकी से उसमें विचार विमर्श हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि आज के हमारे इस समाज में और काल में उन चीजों को किस प्रकार से समझाया जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको सारांश रूप में दिया। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत बार कलयुग में लोगों के पास पढ़ने के लिए पहले तो समय कम है, फिर पढ़ते भी है तो समझ नहीं पाते हैं बहुत सारा जो चीजें है, और समझ भी लेते हैं तो भूल जाते हैं अंत में, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है बहुत बार, भूल भी जाते हैं ऐसा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सारांश रूप से ये प्रस्तुत किया जिससे कि हम लोग जो है इसको जल्द समझ ले। ज्यादा बहुत जटिल चर्चा है वहां पे प्रभुपाद जी ने बड़े सरल तरीके से समझा दिया है, सिंपल करके, ताकि हम लोग जो है उस विषय वस्तु को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। और इसलिए हालांकि भक्तिरसामृत सिंधु इतना आसान नहीं है समझना, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग देखते हैं कि कई सारे भक्तों ने, कई सारे छात्रों ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है और उसके द्वारा भक्ति के इन तत्वों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम भी वही आशा और प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी के चरणों में कि हम लोग भी इस ग्रंथ को प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से समझाया है उस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो श्री रूप गोस्वामी के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी के बारे में आपने सुना होगा कुछ, जैसे श्रील रूप गोस्वामी एवं अन्य पांच गोस्वामी हमारे संप्रदाय में षट गोस्वामी नाम से बड़े प्रसिद्ध है। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे छह जो गोस्वामी हैं बड़े प्रसिद्ध है हमारे संप्रदाय में, और उसमें रूप गोस्वामी सबसे अग्रणी है, सर्व सब सारे गोस्वामियों के नेता है, अग्रणी है सबसे। और हम जो इस्कॉन संस्था में भक्ति कर रहे हैं हम सब, तो हम सब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जैसे चार प्रकार के संप्रदाय माने गए हैं, चार वैष्णव संप्रदाय है। आप में से कोई चार वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानता है, बताना चाहेगा कि कौन से चार संप्रदाय है? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। यस, नंद कुमार प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु, श्री प्रभु श्री संप्रदाय, संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार रुद्र संप्रदाय। संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं, यस, रुद्र संप्रदाय, फिर उसके बाद क्या बोला आपने? कुमार संप्रदाय प्रभु, कुमार संप्रदाय, बहुत अच्छे। और चौथा? और फिर ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं। एकदम सही, तो बहुत अच्छे। तो ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है इसके अंतर्गत हम आते हैं। तो इस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग श्रील रूप गोस्वामी के ही अनुयायी है। एक्चुअली श्रील रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य है जिनके ही अनुगमन में हम लोग सारे भक्ति की शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रूपानुग कहा जाता है। हम लोग क्या है? रूपानुग, जो रूप गोस्वामी के अनुग है, मतलब रूप गोस्वामी के अनुगमन करते हैं। दोज हु फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ रूप गोस्वामी आर नोन एज रूपानुगास, इसको रूपानुग कहते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी का हमारे संप्रदाय में बहुत महत्व है, सर्वश्रेष्ठ इनफैक्ट आचार्य है जिनके अनुगमन में ही सारे गोस्वामी और हम सब जो है भक्ति के इस विज्ञान को सीखना चाहते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी थे, ये दोनों भाई थे, और इनका इनके जो पिता थे उनका नाम था कुमार देव भट्ट, कुमार भट्ट भी कहते हैं, और माता का नाम था रेवती देवी। तो कुमार भट्ट और रेवती देवी, इनके पांच पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो इन पांच पुत्रों में खास करके बड़े प्रसिद्ध हुए श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये बहुत प्रसिद्ध थे। और साथ ही साथ वल्लभ, श्री वल्लभ करके भी उनके अनुज है जो
रूप गोस्वामी है उनके। तो सनातन गोस्वामी जो है वो शिल रूप गोस्वामी के अग्रज है, बड़े भाई है, और वल्लभ जो है उनके अनुज है, छोटे भाई है। तो ये तीन भाई खास करके बड़े प्रसिद्ध है, जिनका नाम भक्ति में, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनका नामकरण होने के पहले, दीक्षा होने के पहले उनका नाम था अमर और संतोष। रूप गोस्वामी का नाम था अमर और सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष। तो ये जो थे बड़े प्रसिद्ध थे, दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, और सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, बड़े उच्च कुल में जन्मे हुए थे, बड़े बुद्धिमान थे दोनों भी, सारा कुल ही रद। तो कई जनरेशन पहले वे जो है वे बंगाल में आ चुके थे, हालांकि दक्षिण भारत से थे लेकिन बंगाल में उन्होंने अपना निवास बना दिया था। तो जब रूप और सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्वान थे कि उनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई, उनको राजशिष्ट कहते थे, राजशिष्ट। राजशिष्ट मतलब आप समझते हो, शिष्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत विद्वान है और वैदिक शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानता है, आर्य, आर्य भी कहते हैं जिसको। तो ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है और बहुत अच्छा उसका बर्ताव है, उसको शिष्ट कहते हैं। तो ये राजशिष्ट नाम से जाने थे, जाने जाते थे। इसका अर्थ क्या है कि वो विद्वान लोगों में सर्वश्रेष्ठ थे। एक्चुअली जो विद्वान है, आर्य है, सुसंस्कृत लोग है, उसमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे रूप और सनातन। तो इसलिए उनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। तो जो गौड़ देश का वहां पे तब राजा था, नवाब था, एक नवाब हुसैन शाह करके एक इस्लामिक राजा था। तो ये जो राजा थे, इस राजा ने जब रूप सनातन के बारे में सुना तो सोचा, अगर ये दोनों भाई मेरे साथ है, अगर मुझे राज्य करने में सहायता करते हैं, तो फिर मैं बहुत अच्छे से राज्य कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत बुद्धिमान है और बहुत इनकी कीर्ति है सर्वत्र। तो इसलिए उन्होंने रूप सनातन, ये दोनों जो थे अमर और संतोष, तब इनको जाके नवाब हुसैन शाह ने धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी सेवा नहीं स्वीकार करते हो तुम दोनों, तो मैं सारे वैष्णवों की हत्या कर दूंगा। नवाब हुसैन शाह तो बहुत क्रूर था, और मुस्लिम होने के कारण उसका हिंदू लोगों के प्रति, वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति भी बड़ा द्वेष था। तो इसलिए उस व्यक्ति ने श्रील रूप सनातन को कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हो और मेरी सेवा नहीं स्वीकार करते हो, तो फिर मैं सारे वैष्णवों को बहुत अत्याचार करूंगा और उनका वध कर दूंगा। तो बाकी वैष्णवों को बचाने के लिए एवं उनको अत्याचार से, इस पीड़ा से बचाने के लिए शिल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह की सेवा को स्वीकार किया, उनके सेवा में वे जो है नियुक्त हो गए। तो ऐसे नहीं कि उनको कुछ रुचि थी उसमें, एक्चुअली केवल वैष्णवों के लिए, ताकि वैष्णव जो है उनके ऊपर अत्याचार न होवे, इसलिए उन्होंने ये त्याग किया। स्वयं जो है अपना इतना उच्च कुल और इतना ब्राह्मणत्वादि त्याग कर उस नवाब हुसैन शाह की सेवा में चले गए। तो वहां पे जब वे चले गए तो उनका नाम भी बदल गया। जो अमर थे उनका नाम हो गया दबीर खास, और जो संतोष यानी सनातन गोस्वामी थे उनका नाम हो गया साकर मलिक, क्योंकि वे दोनों जो है अभी नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे। तो इस प्रकार से वहां जाने के बाद और उनकी सेवा में नियुक्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति को त्यागा नहीं। रूप सनातन गोस्वामी भक्ति करते ही रहे। उन्होंने रामकेली में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रामकेली नाम की जगह है मालदा के नजदीक, तो वहां पे रामकेली में रूप सनातन रहते थे, वो राजधानी थी नवाब की। और वहां पे उन्होंने अपने महल में
नवाब ने उनको बहुत सारा धन दे दिया, महल रहने के लिए दे दिया, क्योंकि वो तो उनसे बहुत खुश था कि बहुत अच्छे से वे राज्य में उसकी सहायता कर रहे थे। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे दोनों उस नवाब हुसैन शाह। तो उसने जो महल दिया था उसमें ही उन्होंने बड़ा सुंदर बगीचे बनाए और जिसमें वृंदावन के अलग अलग लीला स्थलियों की प्रतिकृतियां बनाई, जिसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तो राम के लिए में उन्होंने एक मानिए छोटा सा वृंदावन ही बना दिया, और नवाब ने भी उसके ऊपर कुछ आक्षेप नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि वे वैसे भी अभी उसके राज्य में सहायता कर रहे हैं, तो इसलिए नवाब ने उनको कुछ कहा नहीं। तो रूप सनातन ने हालांकि नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, अपनी भक्ति को बरकरार रखा, भक्ति को त्यागा नहीं उन्होंने, और वैष्णवों के साथ में भागवतम की चर्चा करते थे, सुंदर सुंदर भक्ति के तत्वों की चर्चा करते थे। ऐसे यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु को मिलने के पहले ही भक्ति रसामृत सिंधु सॉरी रूप गोस्वामी ने कुछ ग्रंथ भी लिख दिए थे, जैसे हमसदूत आदि कुछ सुंदर संस्कृत ग्रंथ लिख दिए थे। तो देखिए, मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि रूप गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के पहले ही बड़े विद्वान थे, बहुत विशेष भक्त थे, उन्होंने कई ग्रंथ लिख दिए थे संस्कृत में, और संस्कृत भाषा को जानते थे, फारसी भाषा को जानते थे, अरेबिक भाषा को जानते थे, और बंगाली को जानते थे, बहुत सारी भाषाएं भी आती थी। ऐसे खास करके उन दिनों में मुस्लिम वहां पे राज्य चल रहा था, तो इसलिए अरेबिक, शायद मेरे ख्याल से यूएई में भी अरेबिक चलता होगा, हाँ अरेबिक वहां की भाषा है, तो वैसे ये अरेबिक फारसी आदि सारी भाषाएं रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से जानते थे। तो इस प्रकार से जब वो वहां पे रामकेली में थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने निश्चित किया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उद्धार करना है, क्योंकि वे दोनों इतने विशेष भगवान के भक्त हैं। एक्चुअली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो तो केवल लीला के रूप में वहां पे उस नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, वो नहीं तो वो तो नित्य पार्षद है भगवान के, वास्तविक एक्चुअली मंजर ही है वो तो आध्यात्मिक जगत में, जो राधा कृष्ण की सेवा में विशेष मंजरी होती है वो मंजरियां हैं दोनों भी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित किया कि इन दोनों का उद्धार करना है, तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हुए रामकेली के वाया चले गए, रामकेली में जाके चैतन्य महाप्रभु रुक गए, और वहां पे फिर रामकेली में प्रसिद्ध भेंट है, प्रसिद्ध मिलन है श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन गोस्वामी का। तो इसको श्री चैतन्य चरितामृत में आपको वर्णन प्राप्त होगा, बड़ा सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो इतना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों इतने नम्र थे, हालांकि संस्कृत के विद्वान थे, इतनी सारी भाषाओं के विद्वान थे, इतने धनवान थे, इतना सारा धन था उनके पास, बड़े आलिशान महल में रहते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु के सामने वो कैसे प्रकट हुए आपने सुना है? अपने दांत में घास का तिनका लिए और गले में एक कपड़ा डाले हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो ये खास करके बंगाल में बड़ी नम्रता का बोधक है, बड़े दयनीय भाव का बोधक है, जो बहुत दीनता से किसी के चरणों में गिरना चाहता है, तो वो घास में हाथ मुख में घास का तिनका लिए और गले में एक वस्त्र धारण किए ऐसे गिर जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा, दोनों इतने पात्र होते हुए भी इस प्रकार से नम्रता से उनके चरणों में गिरे, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत उनसे प्रसन्न हुए, और उनके नम्रता से दयनीयता से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मोर फटे मन, हे रूप सनातन, आपकी दैन्यता से मेरा हृदय फट रहा है, कृपया आप उठ जाइए, कृपया आप ये दैन्य भाव जो है इसको त्याग दीजिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे तो मुद्दा यह है कि भक्ति में देखिए, दैन्य भाव से भक्ति में जो भक्ति करता है वो बहुत भक्ति में भगवान को प्रसन्न करेगा, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। रूप सनातन गोस्वामी जैसे इतने
पात्र लोग होते हुए भी उनको अहंकार नहीं था, तो इतना दैन्य भाव था। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोग क्या जानते, हम में से कितने सारे लोग प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने के पहले भक्ति के बारे में कुछ जानते भी नहीं, थोड़ा बहुत जानते थे शायद, और वो भी कुछ नियमित रूप से नहीं करते थे। यहाँ पे तो रूप सनातन गोस्वामी ने ग्रंथों का भी निर्माण कर दिया था, तो भी उनकी नम्रता देखिए। तो इसी प्रकार से हमें भी भक्ति में नम्रता जो है उसको धारण करना चाहिए। जो भक्ति में नम्र है ना, वो बहुत भक्ति में प्रगति करता है। वास्तव जैसे पानी होता है तो ऊपर से नीचे बहता है ना, स्वाभाविक रूप से पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो जो स्वयं को नीचे रखता है, मतलब नम्र होता है, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली उसके हृदय में जो है वो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने के बाद में जल्द ही श्री रूप गोस्वामी जो है उन्होंने नवाब हुसैन शाह की सेवा को त्यागा, और फिर वे जो है महाप्रभु की सेवा में आके नियुक्त हो गए। तो खास करके सनातन गोस्वामी को थोड़ा समय लगा नवाब हुसैन शाह की सेवा त्यागने के लिए, लेकिन रूप गोस्वामी पहले निकल गए और फिर कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी भी निकल गए। तो प्रभुपाद जी खास करके तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि कैसे जब वे जा रहे थे तो रूप गोस्वामी ने अपना धन जो था उसका विनिमय किस प्रकार से किया। जो भी उन्होंने धन कमाया था वो प्रभुपाद जी समझाते हैं। देखिए तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इस चीज को लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने धन का विनिमय किया जब वे जा रहे थे। तो 50% धन जो है उन्होंने कृष्ण भावनामृत की सेवा में लगा दिया, 25% धन जो है उन्होंने अपने सगे संबंधियों को दिया, और 25% जो है वो कुछ आगे आने वाली कठिनाइयां या फिर कुछ खर्चे हो सकते हैं उसके लिए उन्होंने रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने धन का विनिमय किया। खास करके इसी 25% धन को लेके बाद में हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन शाह की सेवा को त्याग के वे जो है भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वृंदावन में आए। तो फिर महाप्रभु जब वृंदावन से वापस आ रहे थे तब रूप गोस्वामी जो है राम केली के इस मिलन के पश्चात रूप गोस्वामी फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में मिले। प्रयाग इलाहाबाद जो भारत में प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम का स्थान है, वहां पे रूप गोस्वामी जो है वो मिले। और फिर वहां पे दशाश्वमेध घाट है, आप में से कोई गए हैं प्रयाग, देखा है? यस, कुछ भक्तों ने हाथ खड़ा कर रहे हैं, भक्त प्रयाग गए हैं। तो प्रयाग में बड़ा प्रसिद्ध है दशाश्वमेध घाट जो है। तो वहां पे श्रील रूप गोस्वामी ने 10 दिनों के लिए, सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिनों के लिए रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, और इसी शिक्षा को लेके और अपने शास्त्रों का ज्ञान जो है उस ज्ञान के द्वारा उसमें सुंदर सारे जो संदर्भ है, रेफरेंसेस है, उसको डाल के रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है वो आया है। महाप्रभु ने ही वास्तविक दिया है ये ग्रंथ, लेकिन महाप्रभु ने संक्षिप्त रूप में समझाया था, जिसको श्री रूप गोस्वामी ने उसका विस्तार किया। शास्त्रों का ज्ञान तो उनको था ही, और महाप्रभु ने उनको समझाने के बाद में उन्होंने अलग 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 शास्त्रों से कई सारे रेफरेंसेस लेते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हमें रूप गोस्वामी द्वारा कृत भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है वो प्राप्त हुआ है। और इसलिए इस ग्रंथ का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो हम श्रील रूप गोस्वामी के कृपा से ही इसको समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से ही इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ के अध्ययन में प्रारंभ में हमेशा ही हम लोग श्रील रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं और श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं कि जिनकी कृपा से हम इस ग्रंथ को अच्छे से समझ पाए। तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि इस ग्रंथ के खास करके निर्माण के बारे में कुछ इतिहास जो है प्रभुपाद जी ने बताया है। खास करके चार गोस्वामियों को चार जो शिक्षाएं हैं या चार प्रयोजन सिद्ध करने के लिए महाप्रभु ने बताए थे। किसी ने ये सुना है किस क्या कौन से चार प्रयोजन
महाप्रभु ने बताए थे गोस्वामियों को सिद्ध करने के लिए? कोई बताना चाहेगा इसको, अगर आप जानते हो तो? यस, हाथ खड़ा कीजिए अगर आप जानते हैं कौन से चार प्रयोजन महाप्रभु ने बताए थे गोस्वामियों को। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये चार प्रयोजन इस प्रकार से थे गोस्वामियों को बताए थे। पहले तो महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन में बहुत सारी लीला स्थली लुप्त हो गई थी, तो सारी इन लीला स्थलियों को फिर से निर्माण करें, ये पहला प्रयोजन बताया था गोस्वामियों को। सारी लुप्त लीला स्थलियों को फिर से निर्माण करें, ये पहला प्रयोजन था। दूसरा प्रयोजन था मंदिरों का निर्माण करें और अर्च विग्रह की सेवा जो है उसकी प्रतिष्ठापना करें। मंदिरों का निर्माण करें और अर्च विग्रहों की सेवा की प्रतिष्ठापना करें। पहला था कि जो लुप्त लीला स्थली है उसका निर्माण करें। दूसरा क्या था? मंदिरों का निर्माण करें एवं अर्च विग्रह की सेवा की प्रतिष्ठापना करें। तीसरा उन्होंने महाप्रभु ने गोस्वामियों को आदेश दिया कि ग्रंथों को लिख के शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करें। ग्रंथों को लिख के, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिख के शुद्ध भक्ति जो है उसका प्रतिपादन करें। ये चीज जो है तीसरा आदेश या तीसरा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बोला। और अंतिम चौथा जो था वो था कि एक आदर्श भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करें और उसका प्रचार करें। आदर्श भक्त क्या होता है, कैसे जीता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें एवं उसका प्रचार भी करें, आदर्श भक्त का। इस प्रकार से तो फिर से मैं दोहराऊंगा, पहला महाप्रभु ने जो आदेश दिया गोस्वामी को वो था कि लुप्त लीला स्थलियों का निर्माण करें। दूसरा जो था वो मंदिरों का निर्माण करें एवं अर्च विग्रह की प्रतिष्ठापना करें। तीसरा जो था वो था कि ग्रंथों को लिख के शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करें। और चौथा जो था वो एक आदर्श भक्त ने कैसे जीना चाहिए इसके आदर्श को सिखाएं और इसको प्रस्थापित करें। इस प्रकार के ये चारों प्रयोजन जो है महाप्रभु के सिद्ध कर दिए गोस्वामियों ने। तो इसलिए हम श्री षड गोस्वामी जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कृपा से ही हमें जो भी भक्ति में प्राप्त हुआ है हमारे संप्रदाय में वो प्राप्त हुआ है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में षड गोस्वामी सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है, जिनकी कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी भी ग्रंथ के प्रारंभ में ही देखिए समर्पण जो है वो गोस्वामियों को किए हैं। डेडिकेशन प्रीफेस के पहले आप डेडिकेशन देखोगे समर्पण, तो उसमें छह गोस्वामियों को ही समर्पित किया है ये ग्रंथ। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको, प्रभुपाद जी ने वो श्लोक लिखा है श्रीनिवास आचार्य द्वारा लिखित षड गोस्वामी अष्टकम से। तो इस प्रकार से ये श्रील रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ इतिहास है। तो इनके कई ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने 20 से भी ज्यादा सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया है और उसमें भक्तिरसामृत सिंधु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और रूप गोस्वामी तो बड़े प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि अभी मैं संस्कृत के क्षेत्र में हूँ तो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, बहुत बार संस्कृत काव्य वगैरह का भी अध्ययन करता हूँ। तो संस्कृत कवियों में भी श्रील रूप गोस्वामी का नाम बहुत ऊंचा है। बाहर के जैसे आपने कालिदास का नाम सुना होगा, मेघदूत वाले, या अन्य एक बड़े कवि हुए संस्कृत के जिनका नाम था दंडी, तो वैसे ही रूप गोस्वामी भी काव्य कवि लोगों में बहुत ऊंचे दर्जे के है। रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध कवि है और मैंने देखा है कि बहुत बार संस्कृत की सभाओं में भी रूप गोस्वामी के कई ग्रंथों का लोग जो है उल्लेख करते हैं। तो हम लोग बहुत एक्चुअली स्वाभिमान का अनुभव करते हैं कि हम ऐसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं जिसमें श्रील रूप गोस्वामी जैसे महान आचार्य जो है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, लोग जब कोई
पाठशाला से या कोई कॉलेज से पास आउट होते हैं तो बड़े स्वाभिमान का अनुभव करते हैं, है कि नहीं? जैसे मानिए कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड से पढ़ा है कोई, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, तो लोग कहते हैं मैं ऑक्सफर्ड से पढ़ा हूँ, कर है कि नहीं? बहुत आनंद से बताते हैं। या हार्वर्ड, प्रिंसटन या येल से कोई पढ़े है, तो उसी प्रकार से हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एलमनस है, एलमनाई है अंग्रेजी में कहते हैं ना, मतलब इस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो हम भी बहुत आनंद का और प्रसन्नता का अनुभव करने चाहिए कि हम लोग इतने महान आचार्य जैसे रूप गोस्वामी और फिर अंत में हमारे श्रील प्रभुपाद जो कि पूरे विश्व में प्रचार किए हैं कृष्ण भावनामृत का, तो इस आंदोलन से हम जुड़े हैं, इस बात का हमें बहुत प्रसन्नता और इसका अनुभव करते हैं। तो ये प्रीफेस जो है प्रस्तावना में पहला भाग हुआ जिसके अंतर्गत रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र की चर्चा हुई है और इस ग्रंथ की चर्चा हुई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा आपसे कि इस विषय वस्तु पर, ये जो 5 पैराग्राफ के ऊपर हमने चर्चा की, इसके ऊपर आपका किसी का कुछ प्रश्न है या क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हो, और फिर उसके पश्चात हम जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आपका प्रश्न कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, कोई प्रश्न है किसी का इस विषय के ऊपर? आप हाथ खड़ा कर सकते हो अगर आपका प्रश्न है कुछ। यस उत्तमांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ यस ये हरे कृष्ण, हरे। ये संप्रदाय का गौड़ीय माधव ये नाम कैसे आया था? गौड़ीय गौड़ीय माधव। गौड़ीय माधव हाँ ठीक है, ओके। हमारे संप्रदाय को गौड़ीय माधव संप्रदाय क्यों कहते हैं? ओके, तो हमारे संप्रदाय को पूरा, हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा माधव। तो ब्रह्मा आता है ब्रह्मा जी से, क्योंकि 4 संप्रदाय जैसे प्रभु जी ने आपने आपको पता ही बताया, ब्रह्म संप्रदाय रुद्र, तो उसमें से ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि मूल भगवान ने ये ब्रह्मा जी को बताया। माधव आता है ब्रह्मा जी के बाद में, हमारे संप्रदाय के खास करके कलयुग में एक प्रमुख आचार्य हुए जिनका नाम है मध्वाचार्य। ये उडुपी के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए जिनका नाम है मध्वाचार्य, तो इसलिए मध्वाचार्य से जो आया वो हुआ माधव। तो ब्रह्मा और माधव वो दूसरा हमारे संप्रदाय के उस इसमें नाम है, तो वो माधव जो आया है वो मध्वाचार्य से आया है। और तीसरी चीज है गौड़ीय। तो गौड़ीय क्या है? तो गौड़ीय इसके कई अर्थ है। गौड़ देश जो है बंगाल का वो प्रांत जो बंगाल में एक चैतन्य महाप्रभु मायापुर आदि के अराउंड जो प्रांत है उसको गौड़ देश कहते हैं। तो गौड़ देश में जो रहते हैं उसको गौड़ीय कहते हैं। मतलब क्योंकि हमारे संप्रदाय को, खास करके इस संप्रदाय का विकास जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु एक तो गौड़ देश में अवतरित हुए और उसके कारण भी हमें गौड़ीय कहते हैं। या फिर गौड़ीय शब्द का दूसरा अर्थ है गुड़। गुड़ कहते हैं, आप जानते हो, गुड़ यानी जैगरी, गुड़ हिंदी में भी कहते हैं ना, गुड़ शक्कर होता है और गुड़ होता है। तो हमारे संप्रदाय में जो भक्ति की धारणा है, भक्ति का अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत मधुर है, जैसे मानो गुड़ है। बंगाल में गुड़ जो होता है वो खास करके बड़ा प्रसिद्ध है, बंगाल का गुड़, क्योंकि वो गुड़ जो होता है बहुत मधुर होता है। तो उसी प्रकार से हमारे संप्रदाय में भक्ति का, माधुर्य रस का, राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर मधुर प्रतिपादन है, तो इसलिए इसे गुड़ से गौड़ीय बना, जो बहुत मधुर है वो संप्रदाय, वो गुड़ से बना गौड़ीय, तो इसलिए भी गौड़ीय कहते हैं ऐसे। ये एक अर्थ, तो ये दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ मैंने बताया गौड़ देश से संबंधित गौड़ीय, दूसरा अर्थ बताया गुड़ यानी जैगरी से संबंधित
गौड़ीय। तीसरा अर्थ भक्ति सिद्धांत बताते हैं गौड़ीय का, कि जो गौरी गौरी र और ड में बहुत बार अंतर नहीं होता है, जो गौरी यानी जो गौरी के भक्त है वो गौड़ीय, यानी हम श्रीमती राधा रानी जिनको गौरी भी कहते हैं, श्यामा गौरी, यू नो पार्वती जो है वो हिमा गौरी कहलाती है, जो कि पार्वती देवी है, लेकिन राधा रानी जो है वो श्यामा गौरी कहलाती है, राधा रानी को भी गौरी कहते हैं। जैसे एक सुंदर वैष्णव भजन है ना, श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, तो बड़ा सुंदर है, तो श्यामा गौरी, तो जो गौरी के भक्त है वो हुए गौरीय या गौड़ीय, र और ड में अंतर नहीं हो जाता, तो वो भी गौड़ीय शब्द का एक अर्थ है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के अर्थ बताए मैंने आप। तो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, माधव यानी मध्वाचार्य, और गौड़ीय यानी जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, गौड़ देश का संप्रदाय है, इससे गौड़ीय, ऐसे हमारे संप्रदाय का नाम हुआ ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो अन्य कोई प्रश्न है किसी का? तो मेरे विचार से अन्य कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने जो चार मेन उद्देश्य बताए गोस्वामी के, वो एक्चुअली उद्देश्य किसके लिए थे? मतलब गोस्वामी ने भक्तों के लिए दिए थे, गोस्वामी को वो उद्देश्य मिला था? गोस्वामियों को वो आज्ञा मिली थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ओके, यस, गोस्वामियों ने भक्तों के लिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को ये चार आज्ञा दी। ओके, चार आदेश दी। ओके प्रभु, इसमें जो सेकंड आदेश था मंदिरों का निर्माण करें और विग्रह की सेवा करें, तो इससे थोड़ा समझना चाहता था कि उस टाइम में क्या मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा था और विग्रहों की सेवा नहीं हो रही थी वो टाइम पे, या कुछ ऐसा था? नहीं, देखिए ऐसे नहीं कि वहां पे तब मंदिर नहीं थे या फिर सेवा नहीं हो रही, लेकिन खास करके मंदिरों का निर्माण करके सेवा इसलिए बोला जा रहा है कि आदर्श सेवा क्या होती है, वास्तविक सेवा क्या किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए, इस जगत में भगवान आके धर्म की प्रतिष्ठापना करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से धर्म का ग्लानि हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, धीरे 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 चीजें जो है उसमें कुछ विषमता आ जाती है, कुछ बदलाव हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु थे और गोस्वामी आदे थे, तब वृंदावन में भगवान की सेवा तो हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ मिश्रण आ गया था, ठीक से कई कुछ जगह सेवा ठीक से नहीं हो रही थी। तो इसलिए महाप्रभु ने मंदिरों का निर्माण करके फिर से सेवा का प्रतिष्ठापना कीजिए, मतलब आदर्श सेवा का प्रतिष्ठापना कीजिए, किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए पूरे ऊंचे स्टैंडर्ड्स के द्वारा, ये प्रयोजन जो है गोस्वामियों को दे दिया, ये आज्ञा दे दी करके ऐसे। तो कुछ कुछ हद तक सेवा हो रही थी, लेकिन गोस्वामियों ने जैसे सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जैसे मदन मनोहर मंदिर, आप जानते हो मदन मोहन मंदिर जो है वृंदावन में, या राधा रमन मंदिर, या फिर राधा दामोदर मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे आचार्यों ने बनाए हैं, गोस्वामियों ने बनाए हैं, उसके पहले वे नहीं थे ये मंदिर, अन्य कुछ अलग अलग मंदिर थे। तो इन मंदिरों का निर्माण करके कैसे भगवान की सेवा सुंदर रूप से करनी चाहिए, ये जो है ये चीज महाप्रभु ने उनको बता दी, और इसके द्वारा एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नहीं। जैसे मंदिर तो हमेशा होते ही है इस जगत में, लेकिन प्रभुपाद जी ने भी नए मंदिरों का निर्माण क्यों किया, कोई पूछ सकता है ना, कि अगर पहले से मंदिर थे तो प्रभुपाद जी ने भी क्यों बनाए मंदिर। तो मंदिरों का निर्माण क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए इसका आदर्श दिखाना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं भारत में भी कई मंदिर है, लेकिन वहां पे ठीक से सेवा नहीं होती है, वहां पे बस पुजारी आके थोड़ा बहुत कुछ भगवान को पानी से धो के चला जाता है, लेकिन किस प्रकार से आरती करनी है, किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करना है, हमें प्रभुपाद जी ने कैसे सिखाया, इस्कॉन की अर्चा विग्रह कैसे सुंदर है, पूरे जगत में प्रसिद्ध है ना,
कि किस प्रकार का आप अर्चा विग्रह का सेवा करते हो, तो इस प्रयोजन के लिए नो, तो एक एक आपको एक इसके ऊपर एक प्रभुपाद जी का घटना बताता हूँ, बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि इतने सारे मंदिर है स्वामी जी, आप नए मंदिर क्यों बना रहे हो फिर से? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अनोखा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, इतने सारे रस्ते में आप देखोगे कई लोग हैं जिनके, आप देखोगे कि कई बच्चे हैं जो निराधार है और रस्ते में घूम रहे हैं, है कि नहीं, अनाथ बच्चे हैं कई सारे, तो भी आप विवाह करके आपके खुद के बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए प्रभुपाद जी कैसे उत्तर देते हैं, है कि नहीं, जगत में तो बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, तो कोई ऐसा सोचता है क्या कि अरे इतने अनाथ बच्चे हैं तो मैंने विवाह करके फिर से क्यों और संतति संतान उत्पन्न करनी है? नहीं, व्यक्ति तो भी विवाह करके अपनी संतान उत्पन्न करता है, क्यों? क्योंकि अपनी संतान को अपने ढंग से शिक्षा देना चाहता है, आदर्श व्यक्ति बनाना चाहता है, अपने प्रकार से उसको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करके समाज में एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति जो है संतान उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे मंदिरों में हम जो बाकी मंदिरों की तरह नहीं है, केवल आओ और कुछ पैसा देके चले जाओ भगवान के सामने नमस्कार करके, नहीं, हमारे मंदिर तो साक्षात विश्वविद्यालय है। प्रभुपाद जी ने कहा, वहां पे तो शिक्षा प्रदान की जाती है भक्ति की, वहां पे किस प्रकार से आदर्श भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए भगवान की, इसका हम प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए हम हमारे मंदिर जो है निर्माण करते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने सुंदर उत्तर दिया। ठीक है प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण बाबू जी, बहुत अच्छा समझा आपने। हरि कृष्ण, यस, ठीक है। हरे कृष्ण, यस, कोई प्रश्न? वैसे भी हम लोग साउथ इंडियन से है प्रभु जी, लेकिन साउथ इंडियन में ज्यादा का ज्यादा व्यास भगवान का पुराने 18 पुराने वही हमको पता है बचपन से, लेकिन ये राधा रानी का बारे में एकदम पता नहीं है। कृष्ण का बारे में भी ये अवतार का एक रूप में, भगवान का अवतार का एक रूप में पता है, सही है, लेकिन ये पुराण कहाँ से आया, कैसे हम लोग समझना है प्रभु जी? कौन सा पुराण? श्रीमती राधा रानी के बारे में कई पुराणों में वर्णन आता है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में, स्कंध पुराण में, पद्म पुराण में, और सबसे प्रमुख श्रीमद भागवत पुराण में। तो भागवत पुराण में खास करके राधा रानी के बारे में थोड़ा इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन ब्रह्म वैवत पुराण में तो कई अध्याय है राधा रानी के बारे में, ब्रह्म पुराण में कई अध्याय, स्कंद पुराण में कई अध्याय, पद्म पुराण में भी। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का विषय वेदों में निश्चित रूप से है, उपनिषदों में दिया है, वैदिक कुछ ऋग्वेद की ऋचाओं में दिया है, और पुराणों में दिया हुआ है। तो इसलिए जो विस्तृतता से पुराणों के बारे में पढ़ा है उस वो जानेगा श्रीमती राधा रानी के बारे में। खास करके श्रीमती राधा रानी के बारे में गौड़ीय वैष्णव एवं उत्तर भारत में बहुत ज्यादा जानकारी है, दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण जो है उनका बहुत अर्चना होता है, या सीताराम जी का होता है, क्योंकि श्रीपाद रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य है, उन्होंने लक्ष्मी नारायण की सेवा का बहुत प्रचार किया, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण की सेवा के बारे में बहुत वर्णन है। लेकिन राधा रानी के बारे में खास करके उत्तर भारत के आचार्यों ने ज्यादा बोला है, लेकिन मूल ग्रंथों में तो निश्चित रूप से है। अगर आप चाहती है तो आप इन सब पुराणों को देख सकती है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि, यू नो, तो इसके अंतर्गत बहुत सारा वर्णन है श्रीमती राधा रानी का। ठीक है, स्कंद पुराण बोला था, लेकिन स्कंद पुराण कुमार सुब्रमण्य स्वामी का होता है, उसमें राधा रानी का कुछ? तो देखिए, पुराणों में बहुत सारे विषय होते हैं, एक ही विषय नहीं होता है, तो कोई एक खास करके
एक देवता के बारे में वर्णन हो सकता है बहुत सारा, लेकिन अन्य भी बहुत सारे विषय है। जैसे महापुराण के 10 विषय होते हैं, एक ही विषय नहीं होता है, महापुराण में 10 विषय होते हैं। तो मतलब क्या है, बहुत सारे विषयों की चर्चा हो रही है। तो वैसे स्कंद पुराण में भी श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत वर्णन है। रुक्मिणी द्वारवत्याम तू राधा वृंदावने वने, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है स्कंद पुराण का। तो आप जैसे आगे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेगी तो आपको सारे ये रेफरेंसेस पता चलेंगे धीरे धीरे। फिर आप उन लोगों को भी ये बात समझा सकती है कि कैसे श्रीमती राधा रानी को शास्त्रों के आधार पे बता सकते हैं। ठीक ओके है, ओके, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी बचे हुए आधे विषय का जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं, ताकि फिर हम लोग 8 बजे रुक जाएंगे इस विषय की चर्चा खत्म कर। तो अभी देखिए, छठे परिच्छेद से, 6th पैराग्राफ से लेके प्रभुपाद जी अभी एक दूसरे विषय का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और वो क्या है, भक्ति रस। भक्ति रस की चर्चा यहाँ पे छठे परिच्छेद से कर रहे हैं आगे। तो भक्ति रस क्या है, खास करके भक्ति रसामृत सिंधु नाम है ना इस ग्रंथ का, तो इसीलिए भक्ति रस अमृत इस विषय की चर्चा यहाँ पे हो रही है। प्रभुपाद जी ग्रंथ के नाम को समझा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसे तो भक्ति रस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी भक्ति को देखिए बहुत सुंदर परिभाषा करते हैं। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ होता है जो भक्तिमय सेवा या प्रेममय सेवा, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा प्रभुपाद जी ने की है भक्ति की। बहुत बार भक्ति यानी सेवा है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी बहुत विशेष है एक्चुअली। प्रभुपाद जी ने कई संस्कृत के शब्दों का इतना सुंदर अनुवाद किया है इंग्लिश में कि उस अनुवाद को पढ़ के आपको उनकी विद्वत्ता को, भक्ति को आप समझ जाएंगे। तो भक्ति यानी बहुत बार लोगों को लगता है बस मन में कुछ भावना है कि नहीं, मन में भाव होना चाहिए बस, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ सेवा है एक्चुअली। भक्ति में सेवा बहुत जरूरी है। कोई कहता है मेरी भगवान में बड़ी भक्ति है लेकिन सेवा नहीं करना चाहता, तो क्या वो भक्ति है? वो नहीं है भक्ति। तो इसलिए भक्ति प्रेममय सेवा या भक्तिमय सेवा होती है। और इसको संस्कृत में भी बहुत इसको अच्छे से समझ सकते हैं। भक्ति शब्द में भज धातु है। भज जैसे शब्दों में धातु होता है, आप जानते हो संस्कृत में कोई भी शब्द में मूल धातु होता है, तो वो धातु भज धातु है, भज। और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो देखिए भक्ति शब्द में मूल धातु भज है और भज का अर्थ ही है सेवा करना। भज सेवायाम, संस्कृत में पाणिनि नाम के बड़े प्रसिद्ध व्याकरणकार हुए और उस पाणिनि ने भज धातु का अर्थ बताया भज सेवायाम, मतलब भज धातु का अर्थ होता है सेवा। तो देखिए इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति शब्द का अर्थ किया है प्रेममयी सेवा या भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपाद जी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर अनुवाद किया है। नहीं तो अगर सेवा ये सब शब्द नहीं होता तो फिर लोगों को लगता है भक्ति तो मेरे हृदय में भी है। कभी कभी लोग, हम लोग प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं, हम लोग कहते थे कि भक्ति करनी चाहिए, तो लोग कहते हैं प्रभु जी इतनी भक्ति है मेरे हृदय में, भक्ति 24 घंटा चल रही है, ऐसे लोग कहते हैं कभी कभी। तो 24 घंटा भक्ति चल रही है, लेकिन मैंने बोला 1 मिनट तो तेरा मंदिर में आइए, तो मंदिर में नहीं आने चाहते, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन कह रहे कि 24 घंटा मन में ही भक्ति चल रही। तो ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति यानी अपने काया वाचा मनसा, अपने शरीर से, मन से और वाचा से, तीनों से भगवान की सेवा के लिए लालायित रहना, इसको भक्ति कहते हैं। जो हमारे हृदय में है उस भक्ति को प्रस्तुत भी करना चाहिए, प्रकट भी करना चाहिए, उसको शो ऑफ नहीं कहा जाता है। जैसे मानिए कोई पत्नी है और पति को कहती है कि मेरा आपके प्रति बहुत प्रेम है लेकिन मैं आपकी कुछ सेवा नहीं करूंगी, तो ये कैसा प्रेम है?
पति कहते हैं कि अच्छा थोड़ा फिर कुछ व्यंजन बनाओ, कुछ कुकिंग करो, भगवान को भोग दिखाओ। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मेरा बहुत प्रेम है आपके। अच्छा तो थोड़ा घर तो साफ कर दो। नहीं नहीं मेरा बहुत प्रेम है, मैं घर नहीं साफ करूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम की जब बातें करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, तो उसका अर्थ है सेवा, सेवा करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी सबसे पहले समझा रहे, प्रेम भक्ति का अर्थ होता है भक्तिमय सेवा। तो हम लोग देखते हैं इस जगत में हर कोई सेवा करना चाहता है, हर कोई भले ही चाहे न चाहे सेवा में जुड़ा हुआ है। आप देखो हर कोई इस जगत में सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, बच्चा माता का सेवा कर रहा है, माता बच्चे की सेवा कर रही है, और समाज का नेता जो है समाज की सेवा कर रहा है, समाज के लोग नेता की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से इस जगत में हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। आप थोड़ा गहराई से देखोगे तो इस जगत में हर कोई है जो सेवा कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि मैं किसी की भी सेवा नहीं कर रहा। किसी की सेवा नहीं है तो लोग क्या करते हैं, कम से कम कोई कुत्ता पाल लेते हैं और उस कुत्ते की सेवा में लग जाते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो जगत में स्वभाव ही है किसी ना किसी की सेवा करना। हालांकि लोगों को लगता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता या करना नहीं चाहता, आई एम द बॉस, लोग कहते हैं मैं बॉस हूँ, है कि नहीं? लेकिन बॉस भी उसका भी कोई बॉस होता ही है, हम लोग देखता है। हर कोई सोचेगा कि ऑफिस में मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ, लेकिन घर आने के बाद पता है हर एक को कौन बॉस है करके। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वास्तविक हर कोई इस जगत में सेवा चाहता है। हम इस जगत के सबसे धनी भी व्यक्ति बन जाए, लेकिन मानिए हम कोई एक ऐसे द्वीप पे हमें छोड़ दिया जाए, कोई आइलैंड पे, We are left on some island, कोई द्वीप पे जहां पे कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, क्या आप आनंद का अनुभव करोगे? कोई नहीं है वहां पे आपके साथ, आप अकेले हो और दुनिया भर का पूरा धन आपके पास है, पूरे धनवान हो, लेकिन कोई भी नहीं है, अकेले हो, तो ऐसा व्यक्ति आनंद का अनुभव नहीं करेगा। कोई छोटा सा पंछी भी आएगा ना, उस पंछी के साथ बात करना चाहेगा, उसको उसको कुछ कहना चाहेगा। तो ये जगत में हम लोग देखते हैं, हम हर कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के संबंध है इस जगत में, पति पत्नी का संबंध है, या पिता और पुत्र का संबंध है, माता और पुत्र का है, पिता पुत्री का है, मित्र का है, दोस्त का है, सहेली का है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस जगत में हम अलग अलग संबंध बनाना चाहते हैं जिससे कि आनंद का अनुभव करें। तो इस जगत में हम आनंद तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन भौतिक चीजों में सुख नहीं है, ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। एक तो है भक्ति रस और दूसरा है भौतिक रस। तो भौतिक रस यानी इस जगत की चीजें प्राप्त करके, इस जगत के संबंध प्राप्त करके आनंद का प्रयास करना, सुख का प्रयास करना। जैसे हम लोग जो इस जगत में धन कमाना चाहते हैं, अन्य अन्य प्रकार के सुख सुविधा चाहते हैं वगैरह, तो इन सुख सुविधाओं को तो अर्जित करना है, ये तो जीवन के लिए जरूरी है, इसमें कुछ संदेह नहीं। लेकिन केवल इन्हीं चीजों को लेके अगर कोई सोचता है कि मैं सुखी बन जाऊंगा, तो फिर वो संभव नहीं है। क्योंकि जो भौतिक रस है उसका गुण प्रभुपाद जी समझाते हैं इसमें बताते हैं कि देखिए इस जगत में हर एक संबंध में जो हमें कुछ सुख प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। रस, प्रभुपाद जी रस शब्द की पहले परिभाषा बताते हैं। जो ऐसा वो भावना है जो हमारे संबंधों में आनंद का, सुख का अनुभव का कारण बनता है, हमारा जो अलग अलग प्रकार के संबंध है उसमें कुछ कुछ रस मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है ना, हर एक संबंध में एक देखिए कुछ एक विशेष रस होता है। पिता पुत्र के संबंध में एक रस होता है, और माता और पुत्र के संबंध में एक रस होता है, पति पत्नी के संबंध में एक रस होता है, गुरु शिष्य के संबंध में एक रस होता है। तो वो जो भावना है, वो जो सुख है उस नाते में, उसको रस कहते हैं।
लेकिन जब भौतिक चीजों से ये रस हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो है रस बहुत समय तक टिकता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई एक नई चीज आप लेके आते हो तो नए चीज का नयापन कितने दिन रहता है? नई कार ले ली मानो आपने, तो पहले दिन नई कार देख के बड़ा आनंद का अनुभव करते, वाह मेरी नई कार, कितने दिन से मेरा सपना था ये नई कार आ गई। दूसरे दिन थोड़ा लगेगा, हाँ नई कार। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन नॉर्मल हो गया, वो जो है नयापन चला गया। अभी उसी कार को देख के आपको बहुत कुछ सुख मिल रहा है ऐसी बात नहीं, बस उसमें बैठ के चले जाओ ऑफिस में, जहां भी जो भी काम करना है कर। इस प्रकार से तो भौतिक जो चीजें है उसका स्वभाव ये होता है कि उसका जो सुख है वो बहुत देर तक टिकता नहीं है। वो जो है चपल सुख कहते हैं प्रभुपाद जी इसको। चपल सुख मतलब जो कुछ समय तक ही रहता है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं। ऐसे बहुत देर तक आप देखोगे उसका सुख नहीं मिलेगा। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ कि मानिए किसी को बहुत अच्छा कुछ व्यंजन लगता है, जैसे गुलाब जामुन। अभी मुझे गुलाब जामुन बड़ा पसंद है, तो अगर आपको गुलाब जामुन देते, मतलब मुझे कोई गुलाब जामुन दे दे, तो बहुत सुख का आनंद का अनुभव करूंगा वो खाने के लिए। तो फिर एक गुलाब जामुन दे दिया मुझे, सुंदर महाप्रसाद दे दिया भगवान का, एक खा लिया तो बड़े सुख का अनुभव किया, दूसरा खा लिया आह बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरा खा लिया बहुत अच्छा लग रहा है, चौथा खा लिया अच्छा लग रहा है, पांचवा खा लिया हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, छठा खा लिया बस अभी और नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अभी वही रसगुल्ला, वही जो गुलाब जामुन है, जब मैं पहली बार देख रहा था और छठा खाने के बाद देख रहा हूँ, दोनों में अंतर आ गया। अभी वही गुलाब जामुन मुझे ज्यादा सुख नहीं दे रहा है जैसे पहला दे रहा था, तो भी मुझे जबरदस्ती आपने छठा भी खिला दिया, सातवा दिखा दिया, तो अभी मैं कहूंगा बस बस अभी अभी मुझे नहीं देखना है उसको, बहुत हो गया। आपने जबरदस्ती खिला दिया तो भी अभी बहुत हो गया। अभी अगर आठवां गुलाब जामुन मुझे देना चाहोगे तो शायद उल्टी हो जाए उसको देख के। तो वही गुलाब जामुन जो शुरुआत में मुझे इतना सुख दे रहा था, अभी बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया? अभी वो मेरे दुख का कारण बन रहा है, सुख का नहीं एक्चुअली। तो शास्त्रों में बताया है उसी प्रकार से भौतिक जो संसाधन है, जो भौतिक रस है, उसमें ऐसे ही हो जाता है। हम लोगों को जो लगता है कि बहुत सुख देगा, वो प्रारंभ में थोड़ा बहुत सुख दे देता है, कोई भी चीज हो, कोई भी नाता हो, लेकिन धीरे 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 उस सुख को हम देखते हैं कि उस सुख का जो मात्रा है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि ये भौतिक चीज का स्वभाव ही है। इसमें किसी को दोष नहीं देना है, इसमें भौतिक चीज का ये स्वभाव ही है कि कुछ समय बाद उसका जो आकर्षण है वो चला जाता है और उसमें से कुछ ज्यादा सुख जो है प्राप्त नहीं होता। जैसे मानिए कोई कुशन है, आपने उस कुशन को पानी में डुबा के उसको दबाया, तो शुरुआत में तो बहुत पानी बाहर आता है क्योंकि सारा पानी उसने सोक कर लिया ना कुशन में, लेकिन फिर से दबाओगे उस कुशन को तो ज्यादा पानी नहीं बाहर निकलेगा, फिर कुछ समय बाद पूरा पानी जो है उसमें से खत्म हो गया, अभी आप दबाओगे भी तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो वैसे ही भौतिक जो चीजें है, धन आदि, उसमें से थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है प्रारंभ में, लेकिन वास्तविक सुख जो है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। फिर हम चाहते हैं कि कोई और चीज जो है मिले, तो अभी उस कार के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, अभी चाहते हैं कुछ नई कार मिले वो छोड़ के, या फिर इसको हर एक चीज में डालिए। आपने फोन लिया, पहली बार आईफोन लिया, यू नो i5 या i6 जो भी है, मुझे पता नहीं लेटेस्ट क्या है, लेकिन जो भी है पहली बार फोन लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद चाहते हैं इसको बदल दो, अभी वो सुख का कारण नहीं बन रहा है। तो ये भौतिक रस है, इसका ये स्वभाव ही है, इसको भोग और त्याग कहते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे भोग और त्याग, मतलब एक समय पे आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो हुआ भोग, और फिर कुछ समय बाद हम लोग उसको त्यागना चाहते हैं कि बस हो गया ये चीज, और कुछ हम लोग कुछ अन्य चीज जो है इसको लेंगे,
तो उसको त्याग कहते हैं, भोग एवं त्याग ऐसे। तो ये हर भौतिक चीज में ऐसा हो जाता है। देखिए बहुत बार कोई एक व्यक्ति जिसके प्रति आपको बहुत आकर्षण है या सुख, उस व्यक्ति से लगता है कि बहुत सारा जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसी व्यक्ति से घृणा होने लगती है, ठीक है ना। उसी व्यक्ति से थोड़ा सा हमारा संबंध जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या द्वेषपूर्ण हो जाता है, अगर पूरा भौतिकता का संबंध है तो। ये भौतिकता का स्वभाव ही है, भोग एवं त्याग, भोग त्याग इस प्रकार से। तो ये चीजों के लिए भी लागू होता है और नातों के लिए भी लागू होता है। जैसे कोई नाता हो, कोई भी इस जगत का नाता हो, अगर उसमें केवल भौतिकता है, मतलब उसमें कोई कृष्ण भक्ति नहीं है, तो आप देखोगे कि उस नाते से आप कुछ समय बाद दूर होना चाहोगे, उससे इतना प्रेम जो है उसका अनुभव नहीं होगा जैसे पहली बार होता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत के इंद्रिय तर्पण में ये भोग त्याग की वृत्ति होती रहती है, है कि नहीं। लोग जो है कंपनी में जॉब करते हैं तो बहुत आनंद आता है कुछ समय, लेकिन फिर मंडे टू फ्राइडे जॉब करने के बाद सोचते हैं अभी बहुत हो गया, अभी मैं थक गया, सैटरडे संडे थोड़ा ऑफ चाहिए, वीकेंड। तो इसलिए फिर सैटरडे संडे कहीं जाके थोड़ा वीकेंड मनाते हैं, लेकिन फिर वहां पे छुट्टी मनाने के बाद ऐसे नहीं उधर ही रहना चाहते हैं, उधर भी 2 दिन छुट्टी मनाने के बाद फिर से वापस आके काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना भी पड़ेगा क्योंकि स्वाभाविक है, उधर निर्वाह भी करना है ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है भोग त्याग ऐसा रहता है ऐसे। तो इसी को चपल सुख कहा है। चपल सुख यानी जो ऐसा सुख कि जो बहुत देर तक टिकता नहीं है। जैसे कमल, आपने कमल की पंखुड़ियां देखी है या कमल का पत्ता देखा है, कमल के पत्ते पे अगर आप कोई पानी की बूंद डाल दो तो देखा है कैसे पानी की बूंद वो झूलती है, कभी भी जो है बूंद निकल जाएगी एकदम उस पानी से, कभी उस पत्ते से कभी भी गिर जाएगी। तो उसी प्रकार से इस जगत में चपल सुख है, ये सुख जो है इस जगत का पता नहीं कब निकल जाए, वही सुख का सुख की स्थिति दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके ठीक विपरीत भक्ति रस है। ये सारा भौतिक रस का वर्णन क्यों कर रहे हैं हम लोग, भक्ति रस ठीक इसके विपरीत है। भक्ति रस में आप कभी भी, भक्ति रस शाश्वत है, उससे आप कभी भी दुख का अनुभव नहीं करोगे। भक्ति रस जो है उससे आप कभी भी दुख का, घृणा का अनुभव नहीं करोगे। ऐसे नहीं है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र आज अच्छा लग रहा है, कल को आपको लगेगा अरे बहुत हो गया, महामंत्र थोड़ा बदल दो, कुछ दूसरा मंत्र दे दो। हाँ, आप देखोगे आज से 10 साल बाद भी हम वही महामंत्र जपेंगे, 40 साल भी वही महामंत्र जपेंगे, तो भी हमें लगेगा नहीं कि ये महामंत्र जो है ये थोड़ा बदल दो, हरे कृष्णा बहुत हो गया, अभी थोड़ा मार्क जॉन ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा नहीं लगेगा। वही हरे कृष्ण महामंत्र है, हम लोग 40 साल भी जपेंगे तो भी आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये भक्ति रस है, ये भौतिक रस नहीं है। ऐसे नहीं कि आज कृष्ण भगवान की भक्ति हो गई, बहुत हो गया 1 साल से कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, थोड़ा अभी कल से थोड़े और कोई देवता दे दीजिए उनकी भक्ति करता हूँ, यू नो, फिर और 1 साल बाद तीसरे देवता, फिर चौथे देवता, ऐसे नहीं। राधा कृष्ण की भक्ति में ही, भगवान की भक्ति में ही हम लोग पूरा आनंद का अनुभव करेंगे। तो ऐसा है ये भक्ति रस। भक्ति रस में आपको कभी भी बोर नहीं होगा, या भक्ति रस में आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये क्यों बार बार वही चीज बोली जा रही है ऐसे। इसलिए हम लोग देखते हैं वही हरे कृष्ण महामंत्र हम कई सालों साल जीवन के अंत तक जपते हैं तो भी कभी बोर नहीं होते, क्योंकि ये साक्षात भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न है, ये भौतिक नहीं है एकदम। नहीं तो इस जगत में तो लोग, आप देखोगे ना, गाने गाते हैं तो कुछ समय तक कोई गाना हिट रहता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं लोग, अभी लेटेस्ट क्या है, ये तो पुराना हो गया, अभी सुपर हिट दूसरा गाना है, टॉप ऑफ द पॉप्स कौन सा है, और वो सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भक्ति में नहीं है। भक्ति में हम लोग वही कीर्तन सुनेंगे, वही महामंत्र सुनेंगे, वही भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे,
और तो भी नए 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 रस का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कृष्ण का स्वभाव है कि कृष्ण कभी भी, हमेशा कृष्ण नए नए रस का आस्वादन कराते हैं। कृष्ण की भक्ति में कभी आपको बोर नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये पुराना वही चीज है, इतने साल से क्या कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये भक्ति रस का आस्वादन है, और इसी को प्रभुपाद जी ने तुलना की है भौतिक रस के साथ इस प्रकार से। तो इसलिए ऐसे भक्ति रस का कैसे आस्वादन करना है, ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो सिखाता है, यही इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का प्रयोजन है ऐसे। और खास करके ये भक्ति रस जो है, इस भक्ति रस में कई सारी चीजें हैं, जैसे कृष्ण भगवान को पांच प्रकार के रस में सेवा की जाती है, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, और फिर सात प्रकार के अन्य भी गौण रस है, हास्य माधुर्य सॉरी हास्य रौद्र बीभत्स आदि, तो उसकी भी चर्चा होगी। ये सब हम लोग जो है इस ग्रंथ के अंत अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे इसको ऐसे। तो इसीलिए इस भक्ति रस को कैसे आस्वादन करना है, ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु सिखाएगा, इसलिए हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। और फिर इसके पश्चात प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं, जैसे हमने भक्ति रस भौतिक रस की भी चर्चा पूरी की, हाँ रस क्या होता है, भौतिक रस भक्ति रस में क्या अंतर है, और खास करके भोग त्याग चपल सुख इस सब की हमने चर्चा की, और इसके विपरीत जो भक्ति है उसका रस जो है वो शाश्वत होता है, इसलिए उसको अमृत कहा गया है, ये भी हमने चर्चा की। अमृत अमृत यानी जो कभी मरता नहीं है, मतलब जो शाश्वत रस रहता है उसी को अमृत कहते हैं। तो इसलिए भक्ति रसामृत मतलब जो शाश्वत भक्ति रस है उसका जो पान कराता है वो ये ग्रंथ है। शाश्वत भक्ति रस का सागर भक्ति रसामृत सिंधु, ये अर्थ हुआ इस ग्रंथ का। सिंधु यानी सागर, तो शाश्वत भक्ति रस का जो सागर है इस सागर को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का यहाँ पे प्रयोजन है। इसलिए जो गंभीर भक्त है इन सबको इस ग्रंथ का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, इसको अच्छे से समझ के लेना है ऐसे। अंतिम प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं, देखिए ये चर्चा जो है अभी मैं देख रहा हूँ 9वें पैराग्राफ में ये चर्चा चल रही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हर व्यक्ति इस जगत में प्रेम करना चाहता है। इस जगत में जो मूलभूत तत्व है वो है कि हर कोई व्यक्ति प्रेम करना चाहता है दूसरे से। हमने इसकी भी चर्चा की, हम लोग एक्चुअली प्रेम के संबंध को प्रस्थापित करना चाहते हैं। प्रेम अलग अलग प्रकार का हो सकता है, प्रेम माता और पुत्र का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, या मित्र का प्रेम होता है, लेकिन मुद्दा यह है कि हर इस जगत में वास्तविक हर कोई प्रेम संबंध प्रस्थापित करना चाहता है, लेकिन इस प्रेम को हम लोग हमारे शरीर से शुरू करते हुए धीरे 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 बढ़ाते हैं। हमारा शरीर के प्रति जो प्रेम होता है उसको अहंकार कहते हैं, फिर शरीर से संबंधित जुड़े हुए परिवार जन उसके प्रति प्रेम हो जाता है, उसके ही उसके आगे जाके समाज के प्रति, या फिर राष्ट्र के प्रति, या पूरे विश्व के प्रति, विश्व में केवल मनुष्यों के नहीं पूरे पूरे सारी योनियों के प्रति, ऐसा प्रेम जो है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो इस प्रेम का सर्वोच्च प्राकट्य है जब कोई कृष्ण के साथ प्रेम करे, क्योंकि जो भी कृष्ण के साथ प्रेम करेगा वो समूचे विश्व के साथ प्रेम करेगा। बाकी आप कोई भी देख लो उसमें थोड़ा बहुत स्वार्थ है, कोई बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हो, राष्ट्र प्रेमी हो, लेकिन उसके राष्ट्र को ही प्रेम करता है ना, उस राष्ट्र को छोड़ के अन्य लोगों को नहीं करता है। कोई सोचता है मैं मेरे समाज को प्रेम करता हूँ, बाकी समाज का क्या। कोई कहता है मैं पूरे जगत के मानवों को प्रेम करता हूं, लेकिन मानव छोड़ के अन्य योनियों का क्या। तो इसलिए इस प्रेम का वास्तविक पूर्ण प्राकट्य हो जाता है जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं।
कृष्ण तो जब प्रेम करेंगे ना तो सारे जीवों को प्रेम करेंगे, सारे योनियों को प्रेम करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे हम लोग जब कृष्ण भगवान को प्रेम करेंगे ना तो ये प्रेम की जो हमारी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, इस प्रेम की वृत्ति का वास्तविक पूर्ति हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने ये 9वें 10वें 11वें पैराग्राफ में यही चीज समझाई है कि प्रेम की ये जो अभिव्यक्ति है वो कृष्ण को प्रेम करते हैं तो वो अभिव्यक्ति के साथ पूर्ण हो जाती है। और इसको तो आपने उदाहरण सुने भी होंगे, प्रभुपाद जी के दो प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे कोई खाना लेके प्रसाद लेके मुख में डालता है तो स्वाभाविक रूप से सारे शरीर की पुष्टि हो जाती है, या फिर जैसे कोई पानी लेके एक पेड़ की जड़ में डाल देता है तो सारा पेड़ जो है फल फूल जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सारे संसार से प्रेम करेंगे। तो ये चीज जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं। और फिर अंतिम डिस्कशन है जिसमें प्रभुपाद जी, ये अंतिम पैराग्राफ है 12 और 13, ये इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई कहेगा कि अगर इतनी सारी तकनीकी प्रगति हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो हमें क्या जरूरत है क्या इन सब भक्ति आदि चीजों की? कोई कहेगा ना, हम लोग इतने, आजकल समाज कहाँ चला गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, तो सारे सुख सुविधा के साधन हैं, तो हमें क्या भक्ति की जरूरत है? क्या सही में वास्तविक जरूरत है भक्ति की? तो प्रभुपाद जी ये जो है 12वें और 13वें पैराग्राफ में, लास्ट दो पैराग्राफ में ये चीज समझा रहे हैं कि तकनीकी प्रगति कितने भी कर ले हम, लेकिन तो भी हम देखते हैं कि जीवन में ये तकनीकी प्रगत देश है वो भी दुख का अनुभव तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं? अभी भारत से ज्यादा प्रगति बाहर के देशों में है, बहुत सारे, यू नो, आप लोग भी बहुत सारे दुबई मिडल ईस्ट में रह रहे हो तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कई ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा अमरीका आदि में होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तो भी अमेरिका आदि में भी जो समाज में असंतोष है, जो समाज में गुनाह है, या फिर डाइवोर्स आदि है, यू नो, विवाह में जो असंतोष है, या फिर लोग खुदकुशी, आत्महत्या आदि जो करते हैं, स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम है, ये बढ़ रहे कि कम हो रहे? ये तो बढ़ ही रहे। तो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के बावजूद ये प्रॉब्लम बढ़ कैसे रहे? तो मुद्दा यह है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितने भी कर ले, वो तो शरीर के लिए कुछ सुख सुविधा मिल रही है, आत्मा के लिए सुख सुविधा क्या है? तो हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, तो आत्मा के लिए ये कृष्ण का प्रेम जो है या भक्ति जो है, यही वास्तविक आत्मा के लिए तुष्टि प्रदान करेगी। तो इसलिए केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके हम लोग जीवन में सुख का अनुभव करेंगे ये भ्रांत धारणा नहीं होनी चाहिए। सुख सुविधा तो जीवन में थोड़ी बहुत जरूरी है और उसको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हमारे आत्मा के लिए जो भोजन नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा? फिर हम लोग हमेशा ही असंतुष्ट ही रहेंगे, है कि नहीं? जैसे वो प्रभुपाद जी कथा बताते थे ना, एक व्यक्ति था, उसने पिंजड़े के अंदर जो तोता था उस तोते को खाना देना ही भूल गया। पिंजड़े को तो बहुत अच्छे से साफ किया, पिंजड़े को बहुत अच्छे चमका दिया, पॉलिश किया, लेकिन अंदर तोता जो है वो तोता बेचारा मर गया, उसको खाने को ही नहीं दिया। तो उसी प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर हम वास्तविक, हम जो है आत्मा, वो बैठे हुए है, तो सुख सुविधा के द्वारा शरीर का तो अच्छे से ख्याल रख रहे, लेकिन अंदर का हमारा आत्मा जो है उसका भोजन क्या है? वो भोजन तो है कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भक्ति के सारे अन्य अन्य कार्य करना। तो इसको करना चाहिए, तभी हम वास्तविक तुष्टि का अनुभव करेंगे। तो ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है भक्तिरसामृत सिंधु, हमें इसी चीज को सिखा रहा है, कैसे हम भक्ति में भगवान की भक्ति सीख के सुख का, भक्ति के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो यही इस प्रस्तावना में बताया गया है। तो तीन विषय की चर्चा की हमने प्रस्तावना में, फिर से मैं बताऊंगा। रूप गोस्वामी और भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ का परिचय, फिर दूसरा भक्ति रस एवं भौतिक रस में क्या अंतर है ये, और अंतिम हमने चर्चा की
कि कैसे केवल भौतिक तकनीकी प्रगति करके हम लोग जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये तीन विषयों को ही प्रभुपाद जी ने प्रस्तावना में समझाया है। आप फिर से जाके इसको विस्तृतता से पढ़िए ताकि आप जो भी समझे है इसको और अच्छे से गहराई से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग फिर प्रश्नोत्तर के पश्चात विराम दे आज के सत्र को। यस प्रभु, किसी का प्रश्न है कोई? अधीश्वर माधव प्रभु हाथ उठाए बहुत देर से। कौन से प्रभु? अधीश्वर माधव प्रभु। अधीश्वर माधव प्रभु बोलिए। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वृंदावन में जो लीलाओं को जो लुप्त करने के लिए जो प्रयोजन बताया था, तो प्रभु जी खाली वृंदावन में तक सीमित था और बाकी उनमें भी था प्रभु जी? महाप्रभु के लिए जो महाप्रभु ने जो आज्ञा दी गोस्वामियों के लिए, वो वृंदावन यानी पूरे व्रज मंडल के लिए था। क्योंकि तब क्या हुआ था, बहुत सारी लीला स्थली जो है वो लुप्त हो गई थी। वृंदावन के अंतर्गत भी आप जानते हो महाप्रभु के वक्त राधा कुंड और श्याम कुंड भी लुप्त हो गए थे। किसी को पता नहीं था कहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड है करके। महाप्रभु ने स्वयं खोज के निकाले राधा कुंड श्याम कुंड। तो ऐसा कभी कभी धाम में हो जाता है, भगवान की लीला के बाद में लुप्त हो जाते हैं स्थान। तो महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसका प्राकट्य किया कि यहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड है कर। वैसे ही अन्य अन्य लीला स्थलियां थी व्रजमंडल में जो कि लुप्त हो गई थी, मतलब किसी को पता नहीं थी कि यहाँ पे ये लीला हुई है कर। तो ये महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी आदियों ने इन लीला स्थलियों का फिर से प्राकट्य किया, बताया कि ये लीला यहाँ हुई, ये लीला यहाँ हुई, और वहां पे उस लीला के अनुसार कुछ स्मारक बना दिए या कुछ वहां पे बहुत अच्छे से बना दिया, प्रसाद आदि कुंडा आदि बना दिए सब बहुत सुंदर रूप से। तो महाप्रभु ने जो आज्ञा थी वो व्रज मंडल तक सीमित थी खास करके। ठीक है, उस समय में क्या व्रजवासी तो थे ही पहले से, तो कुछ भी नहीं था मतलब वृंदावन में ऐसा? नहीं, व्रजवास नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसी बात तो नहीं है। व्रजवासी थे बहुत सारे, कुछ मंदिर भी थे, लेकिन इतने सारे लीला स्थल है ना वृंदावन में, तो कितनी लीला हुई भगवान की, पग पग पर लीलाएं हुई है। तो कुछ कुछ चीजें लुप्त हो गई थी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि श्याम कुंड राधा कुंड जैसा इतना पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान लुप्त हो गया था। तो उसको महाप्रभु ने फिर प्रकट किया कि ये श्याम कुंड और राधा कुंड है करके। वहां पे ऐसे छोटा सा वहां पे एक पानी का तुषार जो है आते थे वहां से, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है करके। तो महाप्रभु ने उसको प्रकट किया। तो वैसे ही अन्य अन्य बहुत सारे स्थान, ललिता कुंड आदि और गोवर्धन से भी संबंधित बहुत सारे लीला स्थली जो है उसको प्रकट किया। तो कुछ हद तक था, कुछ हद तक नहीं था, वो जो है सारा प्रकट किया गया। लेकिन ब्रजवासी आदि वगैरह तो थे, ऐसे नहीं कि वे नहीं थे, वे तो हमेशा ही रहते हैं ब्रजवासी आदि वगैरह, लेकिन लीला स्थली बहुत सारी लुप्त हो गई थी जिसको प्रकाशित किया। ठीक है, ओके, अन्य कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था, दीपक प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अभी हम इस यहाँ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ में रहते हैं, तो अभी हम जैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं, हमें सिखाया जाता है कि गोपी चंदन लगाना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए और मालाएं करनी चाहिए। तो कई बार जब हम हमारी ये रेगुलर साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें जो हमारे रिलेटिव देखते हैं तो हमें बोलते हैं, तो ये तो आप दिखावे का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आप इस तरह आपने इतना बड़ा टीका लगा दिया है और माला कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा होती है उसे हृदय से खाली याद करो बस, वो काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। और अगर ये माला वगैरह आप करके दिखावा कर रहे हो कि आप भगवान का नाम लो, अगर भगवान का नाम लेना है तो 24 घंटे आपके अंदर में चलते रहने, भगवान की याद हमेशा कायम होनी चाहिए, बल्कि 24 घंटे आपके मन में वो ध्यान होना चाहिए भगवान का, तो ये आप ये दिखावा क्यों कर रहे हो? इस तरह की थोड़ी कोई भक्ति होती है। तो प्रभु ये आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि इस तरह के हमें जो ऑब्जेक्शन आते हैं हम उसे कैसे हैंडल करें। हमारा एक्चुअली उद्देश्य तो दिखावा करने का नहीं होता है, पर हमें जो सिखाया गया है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। यस प्रभु, तो इसलिए मैंने आपको समझाया, आपने सुना भी होगा कि भक्ति की परिभाषा बतानी पड़ेगी उनको, कि भक्ति का अर्थ ही होता है, बोलिए कि भक्तिमय सेवा। मैंने समझाया ना, भज धातु का अर्थ ही होता है सेवा।
तो उनको बोलिए सेवा करनी होती है। इसका भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा। अगर कोई कहता है कि भक्ति करना है लेकिन मन ही मन करना है, तो ये कैसी भक्ति हुई? मन ही मन करना है, बोलिए आप थोड़ा ट्राई कीजिए आपकी पत्नी से बात करके कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, लेकिन बस मन ही मन याद करता हूँ, सेवा करने के लिए मुझे मत कहो कुछ। या ऐसे पत्नी अगर पति को कह दे किसी के कि मुझे कुछ आप मत कहिए, मेरे मन में बहुत प्रेम है आपके लिए, लेकिन मुझे सेवा करने के लिए मत कुछ कहिए, मैं ना तो कुकिंग करूंगी, ना तो घर साफ करूंगी, ना ही कुछ आपके लिए करूंगी, लेकिन मेरा बहुत प्रेम है आपके, बहुत भक्ति है, 24 घंटा आपका ही स्मरण चल रहा है हृदय में। ऐसा हमारे जीवन में हम कर सकते हैं क्या? वो पति या पत्नी कहेंगे 24 घंटा स्मरण चल रहा है, लेकिन थोड़ा एक घंटा सेवा भी करो कुछ, है कि नहीं? यू नो, तो एक्चुअली कहने की बातें है ये सब। हम लोग भगवान की बात आते हैं तो कहते हैं मन ही मन करना है, बाकी हर व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से करना चाहते हैं, केवल भगवान के लिए मन ही मन क्यों करना है? ये एक्चुअली भगवान के प्रति गंभीर न होने का ये द्योतक है। देखिए, इस जगत में हर कोई जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहता है कि नहीं? अगर पति है पत्नी के लिए तो प्रेम करता है तो उनके लिए साड़ी लाएगा, उनके लिए कुछ ज्वेलरी लाएगा, उनके लिए कुछ नए कुछ और चीजें लाएगा, तभी फिर उसको प्रेम कहते हैं ना। नहीं तो बस कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए, बस वो बेचारी काम कर रही है दिन भर, ये कभी उसको पूछता भी नहीं है, और फिर वो प्रेम कैसे हो गया? तो मैं कह रहा हूं कि हरेक संबंध में व्यक्त करना पड़ता है प्रेम, तभी वास्तविक प्रेम कहलाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के प्रति भी प्रेम जो है वो भक्ति की परिभाषा ही है सेवा। जो सेवा नहीं कर रहा है वो भक्ति है कि नहीं, क्या जाने? कोई केवल कहने के लिए कह रहा है कि भक्ति हृदय में चल रही है करके, लेकिन हृदय में नहीं होती है चीजें, हृदय से प्रस्तुत करनी होती है। तो जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके प्रति प्रेम को प्रकट करते हो ना, उसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करना चाहिए। नहीं तो फिर ये तो चीटिंग हो गई, सबके प्रति प्रेम को प्रकट करते हो, जब भगवान की बारी आ गई तो भगवान को बोल रहे हैं नहीं, मन के मन में ही करेंगे, आपको आपके प्रति प्रेम को प्रकट नहीं करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, ये दिखा रहा है कि शायद व्यक्ति कुछ सेवा नहीं करना चाहता है भगवान की। ऐसे तो ऐसे समझाना चाहिए उनको कि नहीं भाई, हम लोग दिखावा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि भगवान की सेवा जो है उस सेवा का प्राकट्य होना चाहिए। ये भगवान ने ही बताया है, भगवान ने शास्त्र में बताया ना कि आप तिलक लगाओ, आप मेरे नाम का जप करो, तो हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे। तो ये लोग कौन है ऐसे कहने वाले कि दिखावा कर रहे, जब भगवान कह रहे कि मेरे नाम का जप करो, और मेरे नाम का जप जो है जोर से करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, ये भगवान कह रहे हैं ना। तो अगर भगवान कह रहे तो हम भगवान का सुने कि इन लोगों का सुने? भगवान का सुनना चाहिए। तो इसलिए आप बस कहिए कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई दिखावे का संबंध नहीं है, भगवान ने शास्त्र में जो जो चीजें बोली है उसका हम पालन कर रहे हैं, बस वही बात है। ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रश्न क्लियर हो गया। मेरा और एक प्रश्न था, एक्चुअली दूसरा और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा देते हो, अगर टाइम की अनुमति हो तो। अच्छा, मैं चेक करूंगा कि अन्य कोई किसी का प्रश्न है तो और चार स्टूडेंट्स हैंड रेज किया है। अच्छा, तो क्या करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लू में दिखता है, देखिए, और चार स्टूडेंट्स हैंड रेज किया है, क्या 8 बजे है? सो मे बी, तो 8 बज गए है और आप लोगों का आज वर्किंग डे रहता है, राइट? तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इन 4 प्रश्नों को आप रखिए, हम अगले सत्र में मैं इसको प्रारंभ में दे दूंगा। क्या अनंत शेष प्रो, आप क्या कहोगे? यस प्रो, इवन नहीं तो व्हाट्सएप में वो लोग भेज सकते हैं तो। यस, नहीं तो ये कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप में भेजिए, मैं उसको वॉइस मैसेज में उत्तर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग समय की पाबंदी रखेंगे, क्योंकि जिससे आपको भी कुछ परेशानी ना हो। ठीक है, ओके प्रभु, तो यहाँ पे विराम देते हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शांति से श्रवण किया, और आशा भी करता हूँ कि आप इस विषय को समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से।
जो भी आपको कुछ फीडबैक देना हो या आप कुछ बताना चाहते हो आनंद शेष प्रभु को कह सकते हैं, ताकि फिर मैं भी उसको जान पाऊं। लेकिन इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। मैं दो हर सत्र को दो विभाग में, पहले 45 मिनट चर्चा करके 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए दूंगा, फिर से 45 मिनट चर्चा करके 15 मिनट क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो इस प्रकार से हम जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद भी कुछ प्रश्न बचते हैं तो फिर इसको अगले सत्र में ले सकते हैं, या फिर आप जैसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, उसको मैं उत्तर दे दूंगा। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। यस अनंत शेष प्रभु, आप तो शुड आई ड्रॉप नाउ प्रभु? ठीक है, यस अनंत शेष प्रभु। हां हरि, यस प्रभु जी, आई एम डन। मैं अभी ओके प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबका जो OBA रिजल्ट है, जो आज शायद प्रभु जी ने कल रात को भेजने वाले थे, तो आज मैं चेक करता हूँ। जैसे आ जाएंगे मैं आपको सबका ईमेल में भेज देता हूँ। आपको अगर कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है, आप जो 4 बजे का जो श्लोका टेस्ट समय होता है उस समय आ सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपका सभी ईमेल में मैं रिजल्ट भेज देता हूँ आपको। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है और क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा। हाँ रमापति प्रभु, प्रभु जी हमारा अभी तक कोई, जितना भी मैं टेस्ट दिया उसका रिजल्ट मेरे को नहीं आया प्रभु। मैं मेल आपका में सभी तेलुगु में है प्रभु जी, आपका चेकिंग के लिए मैंने डिवोटीज को भेजा है, उसको समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं समझ गया, थैंक यू। हमने सब तेलुगु में लिखा है ना? हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी मेरा ये यूनिट 3 का जो OBA है मैं सबमिट नहीं कर पाई हूँ, जैसे डेडलाइन था 17 को देना था, लेकिन मैं आज सबमिट कर दूंगी प्रभु। दो दिन मेरा डिले हो गया है तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि जब तक मुझे पूरा वो भी नहीं मिलेगा मैं टीचर्स को नहीं भेज पाऊंगा, और करेक्शन में और रिजल्ट में भी देरी हो जाएगा। सॉरी प्रभु जी, मैं आज श्योर आज शाम तक मैं भेज देती हूँ। ओके मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी आज आएगा प्रभु जी। और आप सब उसको ख्याल करिए जो 4 पॉइंट्स बताया था ओपन बुक असेसमेंट में, क्योंकि इंग्लिश में मैंने देखा है, इंग्लिश में बहुत सारे फीडबैक्स और रिजल्ट्स भेजा, बहुत सारे डिवोटीज का रीसबमिट आया है, फिर से उनको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों ने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा है और रेफरेंसेस नहीं कोट किया है, और प्रश्न में जो पूछा है उसको आंसर नहीं किया है, और उनका फॉर्मेट बराबर नहीं है, इस कारण से उनको रीसबमिट करना पड़ रहा है। तो आप अभी जो सबमिट कर रहे हैं जो ओपन बुक असेसमेंट, आप केयर लीजिए उसमें, ये सारे जो पॉइंट्स है उसको आपने अटेंड किया है जी। मैंने ये जो OBA 3 का क्वेश्चन भेजा था लिख के, तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो आपके पास पहुंचा?